हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मैकरोनी और मैगी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, इवनिंग के साथ बहुत अच्छी जाती है ये बिना किसी एक्स्ट्रा सॉस के। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कप पास्ता। इसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। बॉईल करने के टाइम में नमक और रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है। 1 चम्मच आप रिफाइन ऑयल डाल लीजिए जब आप उबाल रहे होंगे, और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। साथ ही मैंने मैगी यूज़ किया है, 1 पैकेट मैगी का है। इसको भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ उबाल लिया था। 2-3 चम्मच मैंने सोया सॉस के लिए, डार्क सोया सॉस से, हरी मिर्च ली है 3 से 4। साथ ही मैंने कटी हुई सब्जियां ली हुई है। मेरे पास जो भी अवेलेबल था उस टाइम सब्जियां, मैंने सारा कुछ यूज़ कर लिया। अगर आपके पास गाजर, मशरूम, मटर, कुछ भी आपके पास हो तो आप उसे यूज़ कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, प्याज और फूल गोभी, बंद गोभी। अगर आपके पास पनीर हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, पनीर का भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। साथ ही मैंने एक मैगी मसाला मैजिक लिया है, 1 पैकेट मैगी मसाला मैजिक का लिया हुआ है। और जो मैगी का मसाला आता है वो तो ऑलरेडी यूज़ करना ही है, लेकिन 1 पैकेट एक्स्ट्रा मैंने मैगी मसाला मैजिक लिया है। अब मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, पहले से ही हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैं डायरेक्टली यहाँ सब्जियाँ ऐड कर लूँगी तेल में। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप लहसुन पहले ऐड कर लीजिए, मैंने यहाँ नहीं किया है क्योंकि मुझे लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद है। आप सब्जियों को मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आप इसमें 1/2 चम्मच नमक डालें। नमक का फ्लेवर थोड़ा कम रखें क्योंकि मैक्रोनी और मैगी में भी हमने नमक का यूज़ किया हुआ है, तो नमक थोड़ा कम डालें ताकि हमें ज़्यादा नमक का फ्लेवर ना आए। उसके बाद मैंने मैगी मसाला मैजिक डाला है। मसाले को ऐड करने के बाद मैंने हाई फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लिया है ताकि जो हमारा मसाले का फ्लेवर है वो सब्जियों में ऐड हो जाए अच्छे से। मिक्स करने के बाद यहाँ हमारी सब्जियाँ जो अच्छे से पक चुकी है, तो अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड करें क्योंकि ये डार्क सोया सॉस है, तो हमें ध्यान रखना है कि मैक्रोनी और मैगी जब हम ऐड करेंगे तब भी हमने डालना है, इसलिए यहाँ थोड़ा लिमिटेड हम सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद 1-2 मिनट भून ले, और उसमें जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब आप मिक्स करें गाइस, तो ये ध्यान रखें कि आपका जो फ्लेम हो गैस का वो हाई फ्लेम हो, और अच्छे से इसको आप मिक्स करें ताकि जो सब्जियाँ और मैक्रोनी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको चलाना है। उसके बाद मैं इसमें मैगी ऐड कर लूँगी। मैगी मैंने पहले से उबाल के रखी थी तो वो मैंने ऐड कर लिया है यहाँ। यहाँ 1 पैकेट मैगी उबाली थी मैंने, वो ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से मिक्स किया ताकि जो फ्लेवर है वो मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने 1 से 2 चम्मच सोया सॉस डाल लिया ताकि जो कलर है वो अच्छे से इन्हेंस हो मैक्रोनी और मैगी का। उसके बाद मैंने जो पैकेट मैगी मसाला का था, जो मैगी में आता है, वो मैंने ऐड कर लिया क्योंकि मुझे मैगी मसाले का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मैगी मसाला मैजिक भी यूज़ किया है यहाँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद गैस का जो फ्लेम है वो आप मीडियम कर ले। यहाँ हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्च मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली थी, तो ये हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आपको मिर्ची का फ्लेवर इतना नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड में तीखा, तो मैंने इसमें ऐड किया है। अब हमारी रेसिपी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। अगर पसंद आया आपको रेसिपी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट करना।